अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। माजी में आप कहते रहे कि नवाज शरीफ ने धोखा दिया, अब क्या मौक़िफ़ है? सहाफ़ी का सवाल। आपको किसने भेजा है? साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सवाल के बदले सवाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफ़ी ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से महफूज किए के फैसले से मुतलक सवाल किया और कहा कि फैसले से मुतलक आपकी क्या तवक्को है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो भी होगा खैर ही होगी। सहाफ़ी ने साबिक सदर से सवाल किया कि माजी में आप कहते रहे कि नवाज शरीफ ने धोखा दिया है, अब आपके क्या मौक़िफ़ है? जिस पर आसिफ अली ज़रदारी ने जवाब देने की बजाय सहाफ़ी से ही सवाल कर दिया कि आपको किसने भेजा है। बजट से मुतलक भी आसिफ अली ज़रदारी से दरियाफ्त किया गया कि बजट कैसा होगा, जिस पर उनका कहना था कि उनको बजट बनाना ही नहीं आता। ख्याल रहे कि आज साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी अपनी हमशीरा फरियाद कानपुर के हमरा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमर फरूक और जस्टिस मोहसन अख्तर की आनी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और फरियाद तारपुर की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहाँजेब बरवाना पेश हुए, जबकि आसिफ ज़रदारी की जानब से फरूक एच नाइक अदालत में पेश हुए। नैब की जानब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहाँजेब बरवाना ने दलाइल दिए। जस्टिस आमर फरूक ने कहा कि नैब ने मुकम्मल तौर पर दलाइल दिए, कोई चीज़ रह गई है तो अदालत को बताया जाए, जबकि नैब के तफ्तीशी अफसर मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश हुए। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।